अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो ये बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स थे, मैंने इनकी पिक्चर ली थी, मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। तो इनके साथ ही मैंने कहा आज अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने ये मैंने डी से मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ऑनलाइन कहाँ से आजकल बहुत फेमस है, जहाँ से अक्सर लोग मंगवाते हैं। तो ये वहाँ से मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ये तकरीबन हमें 3,500 तक के पड़े थे और ये ओनली 6 कवर्स हैं। जो सीट कवर्स होते हैं ना डाइनिंग के, तो वो 6 कवर्स हैं। और ये बिल्कुल भी स्टफ़ इतना कुछ खास नहीं है। तो अगर कोई भी वहाँ से मंगवा रहा है तो मत मंगवाएगा, क्योंकि वो आपके 3,500 तकरीबन ज़ाया हो जाएंगे। ना डाइनिंग का कपड़ा भी नहीं है। अगर चलो 6 सीटर डाइनिंग का, अगर सीट्स का भी कवर थे, लेकिन अगर जिन्होंने कहा था जर्सी स्टाइल में, लेकिन जर्सी में बिल्कुल भी वो अच्छी वाली जर्सी नहीं है। बहुत थोड़ा लाइट सा, बिल्कुल बहुत इतना ख़ास कपड़ा नहीं है। मैं कहती हूँ अगर ये हम यहाँ से भी लेते, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही महंगे आते, ले के कपड़ा ले के भी सिलवाते 1,000 के अंदर बन जाते। तो वो चीज़ इन्होंने तकरीबन 3,500 रुपये की दी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, कोई भी अगर ऑनलाइन इस तरह से डाइनिंग कवर्स या डाइनिंग चेयर्स के कवर मंगवा रहा है तो आप लोग ना मंगवाएं, ताकि आप लोग का जो पैसे हो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो ये देखिए, इसका बिल्कुल जो ये कपड़ा है बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल, यानी अच्छा वाला जो एक स्ट्रेचेबल होता है ना, वो नहीं है। इस पर इन्होंने कहा स्ट्रेचेबल है, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं। बिल्कुल हल्का सा कॉटन टाइप, कॉटन से थोड़ा सा जर्सी टाइप कर ले, जैसे डस्टिंग के कपड़े होते हैं उस टाइप की क्वालिटी है। बिल्कुल क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। तो बिल्कुल भी मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप लोग भी नहीं लेगा, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। तो अगर कोई भी मेरी सिस्टर लेना चाह रही है तो बिल्कुल ना लेगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरी बेटी आए हुए थे, तो हमारा जब भी आते तो बड़ा हैप्पी हमारा टाइम गुजरता, बहुत अच्छा गुजरता है। तो हमने कहा क्यों ना कुछ आउटिंग का प्रोग्राम बनाया जाए। तो उसके साथ ही फिर हम लोग बाहर आउटिंग पर चले गए थे। थोड़ा सा मूड हो गया, मैंने कहा चलो बच्चे एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि बच्चों का पूरा दिन पढ़ाई में, उसका आपको पता है एग्जाम्स का टाइम है, उस पर बच्चे काफ़ी बिजी रहते हैं। तो फिर आउटिंग के साथ ही फिर हमने कहा थोड़ा खाना वाना भी बाहर खाया जाए, तो हमने खाना वाना खाने चले गए। तो यहाँ पर हम खाना खाने आए थे, तो यहाँ का खाना हमें काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बच्चों को पसंद आया था। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। मेरे बच्चे और फैमिली सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत मज़ा आया था। और इसके साथ ही हमने ये खाना ऑर्डर किया था, सीट कबाब ऑर्डर किए थे। ये थी मलाई चिकन, बहुत ही मज़े की थी। और यहाँ थी फ्राई फिश टिक्का थी, और साथ नान वगैरह थे, बहुत मज़े के थे। फिर खाना खाने के बाद हम लोग वापसी की तरफ आ गए, हमने घर का वापसी का सफ़र किया, घर की तरफ चले। तो खाना बहुत मज़े का था। अगर आप लोग खाना चाहते तो आप लाजमी डिफेंस मार्केट में, आपको आइडिया होगा, दो ही वो है वहाँ पर, काफ़ी अच्छा यहाँ का सिटिंग एरिया भी है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा मुझे खाना, टेस्टी था यहाँ का भी। तो यहाँ के जो जिंगर जो बर्गर होते वो इतने कुछ खास नहीं थे, बाकी सब अच्छा था। तो अगर आप लोग खाना चाहते तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर हमने यहाँ से पान वाली शॉप से हम लोगों ने पान खाए, काफ़ी अर्से के बाद आज हमने छोटी छोटी चीज़ें की, पान खाए हमने, पान बड़े मज़े के थे, बच्चों को मीठे पान लेकर दिए हमने। तो आपने भी कभी लाजमी ट्राई किए होंगे पान, तो मुझे भी बताएगा कि आप लोगों को कौन सा पान पसंद है, मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको कौन सा पान पसंद है, क्योंकि मीठे पान में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो फ्रेंड्स, बाकी इसके साथ ये है कि आप लोग सब हमें चाहिए कि हमें आजकल के दौर में एक दूसरे के साथ दिल बड़ा रखना चाहिए। और वापसी पे जामिया बिल्कुल सो गई थी, उन्हें नींद आ गई थी तो वो सो गई थी। इसके साथ ही फिर हम लोग वहाँ पर गार्डन बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा गार्डन बना हुआ था। तो हमने कहा थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, हमने हवा खाई, थोड़ा इन्जॉय किया, गपशप लगाई यहाँ पर, बच्चों ने यहाँ पे थोड़ी वॉक वगैरह की, काफ़ी मज़ा आया बच्चों को। तो उसके साथ ही फिर हम घर चले गए, घर जाके जामिया की नौटी शरारतें शुरू हो गई। ये देखिए, जामिया बहुत शरारतें करती है, माशाल्लाह भी ये 1 ईयर की होने वाली है, तो माशाल्लाह बहुत शरारती है। हमारे घर में सब इससे बहुत प्यार करते हैं, इसका ये हाल वो है कि इसको कोई ज़रा सा भी रोने नहीं देता, हमारे घर में इतना सब यानी इसके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये अगर रोए तो सारे परेशान हो जाते हैं, ये रोए कि वो सब एक दूसरे को डांटना शुरू हो जाते हैं कि आपकी वजह से रोई, आपकी वजह से रोई।
तो हमारे घर में या कहीं भी मेरी सिस्टर कोई भी इसकी आंखों में ज़रा सा आंसू नहीं देख सकता। यानी माशाल्लाह पे सबकी इतनी लाडली है ये। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे लाजमी शेयर किया कीजिए अपनी लाइफ। अगर मैंने अपनी आज मैंने आपके साथ अपनी छोटी सी रूटीन शेयर की है, तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मुझे फ्रेंड्स इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए, मेरा साथ रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।